हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है नामिका गुप्ता। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रीन कंक्रीट के बारे में। और ग्रीन कंक्रीट आजकल बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया जाने वाला एक ऐसा टर्म है। टर्म मतलब एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही ज़्यादा अब यूज़ किया जाने लगा है कंपैरिजन टू द नॉर्मल कंक्रीट। ठीक है, अब नॉर्मल कंक्रीट में और ग्रीन कंक्रीट में क्या डिफरेंस होता है एंड हमने नॉर्मल कंक्रीट की जगह ग्रीन कंक्रीट यूज़ करना क्यों स्टार्ट कर दिया है, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रीन कंक्रीट आखिर में होता क्या है। देखिए, एक ऐसा कंक्रीट जिसके प्रोडक्शन में कम एनर्जी और कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो, एमिशन मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, ऐसी कंक्रीट क्या हो जाएगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगी। तो इस टाइप का जो कंक्रीट होता है उसे हम जनरली ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, देखिए जनरली होता क्या है, जब हम कंक्रीट तो तैयार करते हैं तो कंक्रीट का जो मेन प्राइम इंग्रेडिएंट है, प्राइम जो मटेरियल है, वो क्या होता है, सीमेंट होता है। अब सीमेंट के प्रोडक्शन में बहुत सारे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल से मिलके सीमेंट बना होता है। तो उन सब का जब एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, एक मिक्सचर जब तैयार किया जाता है, तो उस मिक्सचर को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। ये टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। इसको जितने भी मटेरियल होते हैं सीमेंट बनाने के लिए, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इन सबको जब हम हीट करते हैं 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होता है, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जलता है, जलने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है तो कहाँ जाता है, ये सीधा का सीधा एनवायरनमेंट में जाता है। एनवायरनमेंट में जाने के बाद ये उसको क्या करता है, पल्यूट करता है। पल्यूट कर देने की वजह से क्या होगा, जिस एरिया में आपका सीमेंट प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया में ज़्यादा एनर्जी का खपत होगा, प्लस दूसरी चीज़ वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा उसमें। वहाँ पे वहाँ की जो हवा है, जो एयर की जो क्वालिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होगी, यानी कि वहाँ पे स्मोक ज़्यादा बनेगा, वहाँ की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली होगी, एंड उसके जो लॉन्ग टाइम इफेक्ट होंगे वो आपके स्किन पे देखने को मिलेंगे, आपकी बॉडी पे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे केसेस में स्किन एलर्जीज हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है एनवायरनमेंट के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कब एमिट हो रहा है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हम सीमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं सीमेंट बनाने के लिए, इसको हम 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं। हीट करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ जा रही है, एनवायरनमेंट के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ग्रीन कंक्रीट का यूज़ स्टार्ट हुआ। तो जनरली अगर हम देखें तो जब 1 किलो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, तो 1 किलो सीमेंट 900 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, यानी कि जब 1 किलो सीमेंट का प्रोडक्शन होगा तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 900 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब आप सोच सकते हो कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो उसके अंदर, उसके लिए हमें काफ़ी सारा सीमेंट रिक्वायरमेंट होता है, 10 टन सीमेंट रिक्वायरमेंट होता है, तो जब इतना ज़्यादा अमाउंट में सीमेंट बनेगा तो कितना ज़्यादा अमाउंट में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया है, हमने ग्रीन कंक्रीट का यूज़ किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो देखिए, इसका सबसे मेन जो एडवांटेज है यही है कि बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। दूसरी चीज़, इसका जो मिक्स डिज़ाइन है, जो इसका हैंडलिंग प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में इसका पेस्ट बन के तैयार होता है, जब आप कॉन्क्रीट पेस्ट बनाते हो, ईजिली पोर हो जाता है, ईजिली मिक्स हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में श्रिंकेज और क्रीप प्रोडक्शन होता है इसके अंदर, यानी कि ये एक ऐसा कॉन्क्रीट है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अब वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, ईजिली कंबाइंड हो जाते हैं। ईजिली कंबाइंड होने की वजह से ये क्या करता है, जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो कम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की जगह कम हो रहा है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो रही है इसके अंदर। इस वजह से क्या होगा, ये इजीली सेट हो जाता है। सेट होने की वजह से इसके अंदर कम श्रिंकेज, कम क्रीप देखने को मिलता है। प्लस दूसरी चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरी चीज़ ये, जैसे जैसे करके इसके अंदर हमें क्या यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या फिर रिसाइकल्ड लोकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर कई सारे कंकड़ पत्थर आपके एग्रीगेट्स होते हैं, या फिर जब आप कोई मेसोनरी वॉल को तोड़ते हैं तो उसमें से जितना भी कचरा निकलता
निकलता है कचरा, इन द सेंस कि जो रिसाइकल मटेरियल निकलते हैं, छोटे मोटे ईंट वगैरह के जो पत्थर निकलते हैं वो सब इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, उससे ये कॉन्क्रीट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि ग्रीन जो कॉन्क्रीट है, ग्रीन कॉन्क्रीट एनवायरमेंटल के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है और आगे जाके इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में किया जाएगा। तो ये वाली बात हर किसी को पता होना बहुत ज़रूरी है, ग्रीन कंक्रीट के बारे में जानना हर स्टूडेंट को ज़रूरी है, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप पास आउट हो चुके हो, फ्रेशर हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा अपडेटेड हो, कितना ज़्यादा मार्केट में जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी नए नए टर्म्स आ रहे हैं उससे आप कितना ज़्यादा उन चीज़ों से आप अपडेटेड हो, ये चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया होगा। अगर आपको कोई भी कमी लगे, कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।